सोचता हूँ ये देश इस संस्कारों में पला है कि जब कभी भी कोई देश पे संकट आता है तो जाति धर्म अपने ग्रुप से बाहर निकल कर, न राजनीतिक पार्टी न कुछ नहीं, हम सब मिल करके इसका मुकाबला करने का जो हमारा एक तरह से वंशानुक्रम जो गुण है वही इस देश की ताकत है। मैं सोचता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आज सायंकाल 9 बजे 9 मिनट तक एक तरह से अपनी घर की लाइट बंद करके दीपक जलाकर या जो भी मोमबत्ती या अपने पास साधन है संपूर्ण देश एकजुटता के साथ विश्व के सामने खड़ा होकर के एक दृश्य उपस्थित करेगा तो निश्चित रूप से कोरोना हारेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि है ना, यह जो अंधेरा है यह छटेगा, दीपक जलेगा, कोरोना हारेगा, देश इसमें जीतेगा। इस भावना से मैं देश के सभी बंधुओं से, प्रदेश के सभी बंधुओं से, भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी साथी सहयोगियों से, प्रदेश के आम नागरिक से भी मेरी विनम्र प्रार्थना है इस संकट के समय में जो अब तक अपन ने जिस ढंग से सामूहिकता से इस युद्ध को लड़ा है, आज के इस सायंकाल के कार्यक्रम में हमने प्रदेश में और देश में इस एकजुटता का परिचय देने के लिए रात्रि को 9 बजे 9 मिनट तक हम सब अपने अपने घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस महाअभियान में सहयोगी बनकर इस कोरोना को हराने में एकजुट होकर के हम सब लोग काम करें, मेरी विनम्र प्रार्थना है। मैं गुलाब चंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा,